बढ़ते आगे, महाकाल लोक में मूर्तियों के आंधी में टूट जाने को लेकर सियासत जारी है। दिग्विजय सिंह ने महाकाल लोक के निर्माण करने वाले ठेकेदार की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्ति गिरने पर सियासत लगातार जारी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण करने वाले गुजरात के ठेकेदार की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ठेका मंजूर करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हवा के झोंके से जो सप्त ऋषि की सात में से छह मूर्तियां गिरी हैं, इसकी पूरी जवाबदारी ठेकेदार के साथ साथ उन सारे अधिकारियों की है जिन्होंने ठेका मंजूर किया, और उस ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया जाने की आवश्यकता है। उधर दिग्विजय के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया और कांग्रेस पर धर्म के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए। किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। अगर कांग्रेस के पास कोई प्रमाण है तो वो एफिडेविट के साथ सरकार को दें। सरकार को तो कुछ दे नहीं रहे, वो सिर्फ मीडिया में बात कर रहे हैं और इससे साफ है कि वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। महाकाल लोक में आंधी से खंडित हुई प्रतिमाओं को लेकर सरकार ने कमिश्नर से जांच कराई थी। मूर्तियों को तुरंत स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इस मामले पर सियासत जारी है।